Hey everyone, my name is Aditya and आप लोगों ने आज की इस वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया है। आज की इस वीडियो में मैं उस्तरा के आयुर्वेदिक हेयर ऑयल का रिव्यू करूंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कि ये हेयर ऑयल कैसा है, मैं इसे कब कब यूज करता हूँ, कैसे यूज करता हूँ, मैं इसे प्रेफर करता हूँ या नहीं। इस प्रोडक्ट के रिव्यू को हम स्टार्ट करेंगे इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग से। पैकेजिंग की बात करें तो ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग मुझे अच्छी लगती है बिकॉज ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बॉक्स के अंदर आती है इस प्रोडक्ट की बॉटल एंड बॉटल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। जब आप इसे हैंड्स में होल्ड करते हो तो ये बिल्कुल भी आपको चीप नहीं लगती। इस तरह की जो पैकेजिंग है वो वैसे भी अच्छी होती है और मुझे इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी लगी है। तो गाइस आप इस हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है जिसके अंदर 8 नेचुरल हर्ब्स है। जैसे कि आपको इसमें अश्वगंधा मिल जाता है, रोजमेरी मिल जाता है, आपको भृंगराज मिल जाता है, रेड ऑनियन मिल जाता है, आंवला मिल जाता है, नीम मिल जाता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इस हेयर ऑयल के अंदर, जो इस हेयर ऑयल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी बना देते हैं। यह सल्फेट एंड पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, ये आपके हेयर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से वेरीफाइड है जिसका मतलब ये है कि ये 100% ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। एंड गाइस ये स्पेशली मेन के लिए डिज़ाइन हुआ है जो एक नेचुरल हेयर ऑयल है एंड काफ़ी अच्छे इन्ग्रीडियंट्स है इस प्रोडक्ट। स्मेल की बात करें तो एक हेयर ऑयल की स्मेल, इस हेयर ऑयल की स्मेल सिंपल सी टिपिकल एक हेयर ऑयल की जैसी होती है वैसी है बस, बट ये सिंथेटिक स्मेल नहीं करता है। इसके अंदर से आपको नेचुरल वाइब्स आने वाली है एंड वो होने वाला है बिकॉज इसके अंदर नेचुरल हर्ब्स या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं तो आपको नेचुरल वाइब्स ही आएंगी इस प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा, आपके हेयर को हेल्प करेगा नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। ये एक नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेल्दी हेयर एंड हेल्दी स्कैल्प को प्रमोट करता है, आपके जो डैमेज हेयर है उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करता है, डैंड्रफ से फाइट करता है ये प्रोडक्ट, आपके जो हेयर का ब्लैक कलर है उसे मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ये प्रोडक्ट। सो गाइस ये तो इसके की बेनिफिट्स हैं जो ये, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस प्रोडक्ट से, बिकॉज इसके अंदर जितने भी हर्ब्स यूज़ की गई हैं वो अलग अलग चीज़ें करती है, आपके हेयर को अलग अलग तरीके से हेल्प करती है। बात कर लेते हैं मैं इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करता हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को बेसिकली 2 ways में यूज़ करता हूँ। फर्स्ट वे में मैं इस प्रोडक्ट को फॉर बेड में इसे यूज़ करता हूँ। मैं इसका थोड़ा सा अमाउंट लेता हूँ, अपने हेयर के अंदर अच्छे से अप्लाई करता हूँ इस प्रोडक्ट को एंड मैं इसे नाइट पूरे रात भर के लिए छोड़ देता हूँ अपने हेयर के अंदर। ये एज अ हेयर मास्क वर्क करता है मेरे हेयर के अंदर, मेरे हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसे अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में इसे शैम्पू एंड कंडीशनर से वॉश कर लेता हूँ। अगर आप लोग कोई हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट है एक हेयर ऑयल। सेकेंड वे में मैं इस प्रोडक्ट को एज अ प्री स्टाइलर यूज़ करता हूँ बिफोर ब्लो ड्राइंग। जब मेरे हेयर डैम्प होते हैं तो मैं इस प्रोडक्ट के अराउंड 3-4 ड्रॉप्स लेता हूँ, उन्हें हैंड्स में इमल्सिफाई करके अपने हेयर में अप्लाई करता हूँ। ये मुझे 2-3 बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। एक तो ये मेरे हेयर को पूरे दिन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सेकंड, ये मेरे हेयर में फ्लाई अवेज एंड ड्राइनेस से फाइट करता है एंड ब्लो ड्रायर से जो हीट आती है उसे भी हीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, ये प्रोडक्ट मुझे कैसा लगता है, क्या मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्या ये आपकी हेल्प करेगा। हेयर ऑयल्स तो मैंने बहुत सारे यूज़ किए हुए हैं बट ये वाला जो हेयर ऑयल है ये मुझे डिफरेंट लगा है बिकॉज एक तो इसके अंदर नेचुरल हर्ब्स प्रेजेंट है, इसके अंदर अलग अलग इन्ग्रीडियंट्स हैं। आप चलिए जो बेसिक हेयर ऑयल्स आते हैं उनके अंदर एक ही इन्ग्रीडियंट होता है जो वो हेयर ऑयल होता है, बट इसके अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है तो आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट मिल जाते हैं एक ही प्रोडक्ट के अंदर। आप लोगों को बता, अभी मैं अपने हेयर को ग्रो कर रहा हूँ, हेयर को ग्रो करते टाइम आपको हेयर में नरिशमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है एंड उस चीज़ के लिए मैं ये हेयर ऑयल यूज़ करता हूँ, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। इससे मेरे हेयर को नरिशमेंट मिलता है एंड मेरी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी फास्ट होती है इसको यूज़ करने से। क्या मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करूँगा? डेफिनेटली मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करूँगा। अगर आप नॉर्मली हेयर ऑयल भी यूज़ करते हैं तो अपने हेयर ऑयल को आप इस प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा रिव्यू उस्तरा के आयुर्वेदिक हेयर ऑयल के ऊपर। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये रिव्यू पसंद आया होगा, आपको कुछ हेल्प किया होगा इस रिव्यू में। एंड गाइस अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो ये आपको उस्तरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा एंड साथ के साथ ये प्रोडक्ट Amazon एंड Flipkart पर भी अवेलेबल है तो आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक इज हाईली अप्रिशिएटेड। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ बेल आइकन भी दबाना ताकि आपकी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना। मेरे सोशल मीडिया लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई लव यू एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप सेलिंग एंड प्रॉ पास।